गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोवा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आज के नए व्लॉग पे। आज गोवा का सेकंड डे है मेरे ट्रिप का और अब हम जा रहे हैं यहाँ से मडगांव विजिट के लिए। मैं नहा धो के रेडी और मैंने ब्रेकफास्ट भी ऑलरेडी कर लिया। मॉर्निंग में मैं लगभग बहुत जल्दी उठ चुका था। हम और जाक हम दोनों भी रवाना हो चुके हैं यहाँ से सीधा मडगांव के लिए। ये देख लीजिए दोस्तों, ये जो पेड़ है आप देख रही हैं कोकोनट का। तो फाइनली बस आगे बैठते हैं अंदर की तरफ। जैसे बस से हम गेट डाउन हो चुके हैं और अब यहाँ से सीधा हम पंजीम के लिए बस पकड़ेंगे, क्योंकि ये जो मापुसा शहर है उसका ये बस स्टैंड है। तो हम यहाँ सीधा पकड़ते हैं पंजीम के लिए डायरेक्ट। और हम जाक हम दोनों बस के अंदर बैठ गए और हम जा रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट पंजीम और वहाँ से फिर जाएंगे सीधा मडगांव। तो ये देख लीजिए दोस्तों, समुंदर आ गया है और काफी आगे था, बोट्स वगैरह वहाँ पे देख रहे हो। पंजिम यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। ये देखिए दोस्तों, अभी मठ जो पंजिम बस स्टेशन है वहाँ पे मैं आ चुका हूँ और देख ली बहुत सुंदर यहाँ मंदिर है, एक हरमन चाय वाला। तीन टिकट मडगांव 135। अभी मैंने मडगांव की यहाँ से टिकट लिया और लगभग 45 रुपये टिकट है मडगांव। मास्को कहीं भी आपका जाना है तो आप यहाँ से सीधा जा सकते हो। और अब चलते हैं बस के अंदर, वहाँ से सीधा चलेंगे मडगांव। तो जाक बैठा है और ये थोड़ा नाराज हो गया क्योंकि हमने एसी बस हमें लेनी थी। जाक कह रहा है, हमने एसी बस लेनी है, हमने बस ली है जो नॉर्मल वाली और लगभग यहाँ से मडगांव का हमें लगेगा 1 घंटा। इज हियर। जब हम किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो हमेशा कुछ कुछ हमें नया देखने मिलता है और यहाँ पे देख लो ऑब्वियसली गोवा में अरेबियन सी है और चारों ओर ग्रीनरी ही ग्रीनरी, पेड़ पौधे पेड़ पौधे। मडगांव और पंजी के बीच में छोटे छोटे गांव है इस टाइप के, ठीक है। जितने भी आप पेड़ देख रहे हो सभी नारियल के पेड़। इसलिए जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये नई ब्रिज का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है गोवा के अंदर, बिल्कुल समुद्र के ऊपर आप देख रहे हो। ट्रैवलिंग का जो असली मजा होता है वो बस में ही करने का होता है। आप बस में आराम से अकेले बैठ रहते हो, आप सोचते रहते हो, जो इस टाइप के जो अच्छा जो नेचर आप उसको देखते रहते हो। तो दोस्तों फाइनली हम बस से अभी नीचे उतर चुके हैं और अब ये देख लिए बैक साइड में यहाँ पे जो मेन बस स्टैंड है जो मेरे जस्ट मेरे पीछे की तरफ है वहाँ पे अब आए और यहाँ से अब जाएंगे हम शहर के अंदर। बस चेंज करके हम जा रहे हैं मडगांव को, जो मेन सेंटर का मार्केट है उसके अंदर। और बस के अंदर मैं बैठ चुका हूँ अभी, यहाँ पे जाक पीछे बैठा है। तो दोस्तों अभी जैसे अभी मडगांव में चल रहे हैं और यहाँ से जो मडगांव मेन मार्केट है वहाँ तक आप देख लीजिए, आर्किटेक्चर वगैरह टोटली कुछ सब कुछ डिफरेंट है यहाँ पे। तो दोस्तों फाइनली हम जो मडगांव का जो मेन मार्केट है उसके अंदर अभी आ चुके हैं और मैं जस्ट मेरे बैक साइड में आप देख रहे हो इस साइड जो मडगांव है मार्केट, और हम मडगांव है जो साउथ गोवा में है और हम अभी आ रहे हैं मापसा से, मापसा कनका वगैरह वो है नॉर्थ गोवा में। तो अब हम ये आ चुके हैं और मेरे जस्ट बैक साइड में आप बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन भी देख रहे हो, यहाँ पर भी चलेंगे। और आप देख लीजिए बिल्डिंग्स वगैरह टोटली जो बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ चेंज है यहाँ पर, और जो मापसा वगैरह सिटी है उससे काफ़ी नीट एंड क्लीन है मडगांव। लगभग हमें आने में टाइम लगा वहाँ से यहाँ तक, आप देख लीजिए 45 रुपये ले, लगभग 40 किलोमीटर है पणजी से यहाँ तक, क्योंकि हम मापसा से पहले पणजी आए थे जो कैपिटल है और फिर वहाँ से आए मडगांव। और जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पे गोवा में वो मडगांव में ही है। और देख लीजिए आप इस टाइप की यहाँ पे लोकल बसें, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो इस टाइप की हमें जो लोकल बसें उनमें हमें ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। देख लीजिए आप यहाँ सेंटर में है मार्केट के और इस साइड देख लीजिए कितनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स यहाँ पे उन्हें आर्किटेक्चर वगैरह आप देख रहे हो, जो पूरा पूरा आर्किटेक्चर है गोथिक आर्किटेक्चर इसे हम कहते हैं। और इस साइड ये गार्डन में और इस साइड से हम इधर आए थे। जो मडगांव का जो पुराना मार्केट है वहाँ पे हम एंट्री कर चुके हैं और ये पूरी नहीं जो आप स्ट्रीट देख रहे हैं ये पूरी मडगांव की पूरे मार्केट की है। जाक इसके सैंडल टूट गए हैं, ये वाले थे इसके पुराने, अभी इसने नए लिए। वी जाक द कह रहा थी कौन तो अगर दिसी डोले रिगार्ड का मेरा कौन तो यस सवा 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 तू ऐसे तो लेन वो सुंदर पुर्तवा वे पो मा पास जो कैसे के सुंदर इस वो सा ऐसे वो से वो किस की चीज। तो ये देखिए यहां पे फुल मार्केट इस साइड में है अम्मा वगैरह मार्केट।
और ये देखिए जी, ये MMC न्यू मार्केट वेलकम्स यू। तो जो पुराना जो यहाँ का मार्केट वो इस साइड है। व्यापार जिंदगी में बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप देख लीजिए, ये सभी फूल बेच रहे हैं और सभी ने जो अपने अपने छत्ते हैं वो हाथ में ले रखे हैं। और अब आज ये देख लीजिए, यहाँ की पुराना जो मार्केट है वो वाला है, यहाँ का फ्लोर वगैरह यहाँ पे ये बेच रहे हैं। पूरा फ्लोर मार्केट है, पूरा पूरा जो भी आप यहाँ से कुछ लेना चाहते हो, लेडीज वगैरह। बिल्कुल बीच सेंटर में आप देख रहे हो, ये टेंपल बना हुआ है यहाँ पे पिंपल का। इनमें ये अम्मा है, यहाँ पे इनमें कोकोनट ऑयल बेच रहे हैं बोतल में। बिल्कुल फ्रेश कोकोनट ऑयल अपन को लेना है तो हम यहाँ से मार्केट से ले सकते हैं। और देख लीजिए, इनके बिल्कुल स्टॉल वगैरह लगी हुई है सभी। तो दोस्तों, जैसे अभी मैं जो मडगांव का मार्केट है उसी के अंदर घूम रहा था, और देख लीजिए ये वाली जो यहाँ की सबसे बड़ी सुंदरता है कि छोटे छोटे जो व्यापारी वो अपना व्यापार करते हैं, छोटे छोटे सब्जियाँ, और बिल्कुल सभी आप देख रहे हैं सभी बायो है। और अब मेरी नज़र पड़ती है बॉम्बे कैफ़े के अंदर, और चलते हैं कैफ़े के अंदर। और जस्ट मैं रिसेप्शन पर घुसते ही यहाँ पर काफ़ी भीड़ अंदर की तरफ, आप देख लीजिए सभी जितने भी वेटर्स वगैरह सभी एक यूनिफॉर्म है। तो अभी हम भी देखते हैं कुछ लेने के लिए क्या लेते हैं। और फाइनली आप देख लीजिए, यहाँ रेट लिस्ट लगी हुई है और सबसे इतना सस्ता ये देख लीजिए, इसमें बॉम्बे कैफे टाइमिंग वगैरह सब लगेगा मडगांव गोवा। तो रेट वगैरह भी यहाँ पे सभी रीजनेबल है। अंदर की तरफ किचन है और जस्ट अभी हम और हमने हमारी जगह ले ली है, और बिल्कुल हमने जो हमारी जगह ली है हम आके बैठ चुके हैं यहाँ पे। अब करते हैं यहाँ से कुछ ऑर्डर। तो दोस्तों, जस्ट अभी मसाला डोसा आ चुका है। आप भी अगर आओ तो मडगांव में जो बॉम्बे कैफे आपको जरूर जरूर आना है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बहुत कॉस्टली भी नहीं है। एक्चुअली जो आपकी स्ट्रीट प्राइस है उस प्राइस में यहाँ पर आपको फूड मिल जाएगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो दोस्तों, जस्ट अभी हम जो यहाँ के मडगांव का जो मार्केट वाला वो इलाका हमने छोड़ दिया है, और हम चल रहे हैं यहाँ से बिल्कुल दूसरा रास्ता हमने लिया है। पूरी चारों थोड़ा सा जो मडगांव के चक्कर लगा लें, और काफ़ी जो मडगांव वो पूरा रेजिडेंशियल इलाका है, यहाँ देखने की स्पेशली कुछ है नहीं, सिर्फ आपको मार्केट मिलेगा जो ओल्ड मार्केट है, और ज़्यादातर लोग यहाँ पे शॉपिंग के लिए आते हैं। तो ये देख लीजिए, बिल्कुल जो मडगांव का छोटा छोटा मार्केट है वो करते हैं हम सिर्फ जस्ट आगे की तरफ जाएंगे। तो देखो आप, ये सभी हैं जीसस क्राइस्ट के जो इस टाइप की स्टैचू वगैरह बेच रहे हैं। तो ये क्या जो 24 दिसंबर होता है उस टाइप में इसको खरीदते हैं, और ये जो जीसस क्राइस्ट का पुनर्जन्म है उसके बारे में स्टोरी यहाँ पे, जस्ट ये स्टोरी मुझे अभी कहती ने बताई है। ये वाला जस्ट मार्केट हम क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल छोटे छोटे जो ये सब्जी वगैरह बेच रहे हैं व्यापारी, ये छोटे छोटे वेजिटेबल्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह सभी यहाँ पे सेल आउट देख लीजिए कर रहे हैं। और इस साइड में जो है ये है यहाँ का मेन गार्डन, मापसा का मेन गार्डन यही है जो आप देख रहे हो यहाँ पे। तो दोस्तों, जैसे अभी जो मडगांव वो विजिट करके आ चुके थे, यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास था नहीं। मडगांव तो स्पेशल जो है जो बिल्कुल नॉर्थ गोवा में ये यहाँ पे लोकेटेड है, और साउथ गोवा से हम नॉर्थ गोवा में आए थे, और ज़्यादा कमर्शियल सिटी है। तो हमने दोस्तों, जैसे अभी हमने वापस यहाँ से मडगांव से पनी जाने के लिए जो बस अभी हमने लिए इसी बाबाई मडगांव, हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा पंजी के लिए, और मडगांव को बाबाई बोलते हुए। दोस्तों, फाइनली हम मडगांव से पंजी आ चुके हैं, और अब यहाँ जो पंजी बस स्टैंड है वहाँ पे हम लोग खड़े हैं। और यहाँ से तो दोस्तों, जैसे अभी हमने यहाँ से पंजी है, पंजी से वापस हमने लिए मापसा के लिए बस, और मापसा वो फिर वहाँ बस से हम जाएंगे सीधा वेक्टोर बीच। मापसा जो मार्केट है बस स्टैंड वहाँ पहुँचे हैं, और अब यहाँ से बस लेंगे हम वेक्टोर के लिए। तो अशत फ्लेयर कौन भी है? Separate.